Assalamu alaikum, I am registered dietitian Nida Rasheed Mughal and you are watching Tabib.pk. I am Nida Rasheed Mughal. I am registered dietitian and nutritionist. My topic is sports nutrition today. So starting from sports nutrition hai kya? Sports nutrition ka aapke dietary habits ke saath aur aapki physical training ke saath kis tarike se correlation hai wo aapko main bataungi for best performance ke liye. Iske liye aapke assessment ke tools hote hain. BMI iske liye hum karte hain. Iske liye aapki physical activity dekhi jati hai ki aapki physical activity kya hai, aap moderate hain, aap active hain ya aap athletic hain. Uske hisab se aapki calories ka intake proper suggest kiya jata hai. Jaise ki normal calories ka intake jo hai for man ke liye 2000 se 2500 tak rakha jata hai aur females ke liye 1600 se 1800 tak calories ka intake rakha jata hai. Ab ye calories aa kahan se rahi hai? Ye protein se, fat se and carbohydrate ke through aa rahi hai. Ab in teenon ka function kya hai hamari sports person ke liye, uska ye thodi si aapko knowledge dena chahte hain ki wo aapko help karta hai in refueling ke liye, recovery ke liye and hydration ke liye. स्पोर्ट्स पर्सन एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी को फुली फ्यूल्ड होना चाहिए. किस तरीके से उसकी बॉडी में ग्लूकोज जो है जो कि 40% के हिसाब से होना चाहिए उसकी बॉडी के अंदर. मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन जो है वो 1900 कैलोरीज उसके बॉडी में वो प्रोवाइड कर रही हूँ. अगर ये सब कुछ नहीं होता और आपकी बॉडी जो है प्रॉपर फुली फ्यूल्ड नहीं होती तो ग्लाइकोजन का इनटेक फ्रॉम मसल से पहले बॉडी यूज़ करेगी, उसके बाद बॉडी आपकी लिवर से ग्लाइकोजन लेगी, फिर उसके बाद आपकी बॉडी ब्लड ग्लूकोज को लेगी और उसके बाद क्या होगा कि बॉडी को प्रॉपर फ्यूल नहीं हुई भी तो वो हिटिंग द वॉल हो जाएगा. एक ये टर्म है जो यूज़ होती है, इसमें बॉन्किंग हो जाती है, ये हिटिंग द वॉल, प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं रहती है. रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. जब मसल का ब्रेक डाउन हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान तो उसकी प्रॉपर रिकवरी की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो. उसकी रिकवरी के लिए हम प्रोटीन्स का डाइट में इंटेक रखते हैं. क्यों हम इम्पॉर्टेंट ले रहे होते हैं? क्योंकि वो विटामिन और मिनरल की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. विटामिन एंड मिनरल्स भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इनकी डाइट का भी डाइट में इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन. जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि आपकी स्वेटिंग होगी और सोडियम के लॉसेज हो गए तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे विटामिन और मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है. बॉडी जो है 75% जो है वाटर से ही बनी है. तो एक क्वेश्चन बताया जाता है कि जब बॉडी 75% वाटर से बनी है तो इसका इंटेक किस तरीके से होना चाहिए, स्पेशली एक्सरसाइज के दौरान. तो एक्सरसाइज के दौरान इसका इंटेक इस तरह रखेंगे कि प्री एक्सरसाइज में आपने 2 ग्लास ऑफ वाटर लेने जो कि 16 से 18 ounce हो. इन बिटवीन जो है आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है जिस और आफ्टर जो गेम का आफ्टर है जब जैसे पोस्ट गेम होगी उसमें भी आपने 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर रखना है. और जो पोस्ट में आप लेंगे उसके अंदर ज़रूर रखें कि लेमन का इंटेक हो उसके अंदर और सोडियम का हो ताकि स्वेटिंग के दौरान जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया हो चुके हैं उसकी रिकवरी हो सके. थैंक यू.